Hey guys, welcome back to Stylopedia and today in this video I am going to share with you guys this snail hair bun. ये बहुत ज्यादा easy and simple hair bun है, तो चलिए without any further ado, let's get started. तो first of all मैं अपने सारे बालों को ऐसे middle ponytail में पकड़ लूंगी like this. एंड इसे मिडिल पोनीटेल में पकड़ने के बाद अभी मैं क्या करूंगी, एक रेगुलर बन जैसे हम ट्विस्टेड बन बनाते हैं वही बनाएंगे. तो उसके लिए मैं एक हाथ में अपने बालों को ऐसे पकड़ के उसे इस तरह से ट्विस्ट कर दूंगी एंड देन मेरी जो हेयर एक्सटेंशन है उसे मैं इसे रैप कर दूंगी अपने हाथों के चारों तरफ. तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गया है. अभी मैं अपने बाकी के जो मैंने रैप किया है उस सेक्शन को इस लूप के अंदर मैं टक कर दूंगी. तो इसे टक करने के बाद हमारी जो रेगुलर बन होते हैं वो बन जाएंगे, बट आवर हेयर स्टाइल यहीं पे खत्म नहीं होते हैं. इसे अभी मैं टक कर रही हूँ एंड यू हैव टू टक योर बन रियली रियली टाइट ताकि ये बिल्कुल ना खुल जाए. तो इसे टक करने के बाद मैं इसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक रबर बैंड टाई कर दूंगी. एंड आप प्लीज कोई बॉबी पिन या यू पिन इस टाइम पे यूज ना करें, जस्ट रबर बैंड यूज करें. एंड अभी मैं अपने बालों के ऊपर के हिस्से जो है वहां पे जो एक लेयर है हेयर्स का उसको हल्का सा पकड़ के ऐसे नीचे के तरफ खींच लाऊंगी एंड तभी जो है एक बालों के लेयर आ जाएंगे एंड ये जो स्नेल शेप हो जाएंगे अपने बन का, तो ये एक स्नेल शेप में आ जाएंगे एंड इसी से हमारी बन जो है एकदम परफेक्ट लगेंगे एंड एकदम नॉर्मल नहीं लगेंगे, बिल्कुल डिफरेंट शेप हो जाएंगे. तो इसे करने के बाद अभी मैं बॉबी पिन्स की यू पिन्स की यूज करूंगी. एंड गाइज मेक श्योर आप पहले यू पिन्स यूज ना करें. अगर आप पहले ही यू पिन्स से अपने बन को टक कर देंगे तो आप बाद में जो मैंने बालों के लेयर को खींचा नीचे की तरफ वो नहीं खींच पाओगे. तो जस्ट आप इसे करने के बाद ही लास्ट में यू पिन्स यूज करें. तो अभी मेरी जो बन है इसे मैं अच्छे से एक बार सिक्योर कर लूं एंड देन आई विल डेकोरेट इट. अगर आप डेली बेसिस में ये बन करना चाहते हो तो डेकोरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू दिस इन अ पार्टी और इन अ वेडिंग ओकेशन देन डेफिनेटली आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो. तो मेरी बन यहाँ पे जो है फाइनली बन चुकी है एंड नाउ दिस इज द टाइम टू डेकोरेशन. यहाँ पे मैं इस टाइप के कुछ फैंसी बॉबी यू पिन्स यूज कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए. ये फ्लावर शेप का है, आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने चॉइस का, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फैसिनेशन. तो अभी मैं इसे ऐसे लगा दूंगी एंड आप देख सकते हो इसे लगाने से ही मेरे बन कितने खूबसूरत लग रहे हैं. तो मैं ऐसे और दो यूज करूंगी एंड पूरे साइड में लगा दूंगी लाइक दिस. तो यहाँ पे मेरा बन खत्म होता है एंड दिस इज इट फॉर टूडे गाइज. सो आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी. बाय बाय.